लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन अब भी जारी है। वहीं हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले टोहाना में आयोजित आम हड़ताल में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मुख्य चंडीगढ़ हिसार रोड तिराहा पर एक तरफा जाम लगा दिया। जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला को अपनी मांगों संबंधित ज्ञापन सौंपना था, लेकिन जब प्रदेशाध्यक्ष ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो इससे गुस्साई आंगनवाड़ी वर्करों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात काफी हद तक प्रभावित हुआ। आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग है कि सरकार के नुमाइंदे उनका ज्ञापन लें और उनकी मांगें सुने। यूनियन सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी दी। 9 दिन से लगातार पूरे हरियाणा के अंदर चल रहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी चल रही है और उसी के आज चलते चलते हमने जो ये प्रोग्राम बनाया था कि हरियाणा के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुभाष बराला जी, वो टोहाना से MLA हैं और हम अपनी मांग उनके पास इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर बीजेपी का अध्यक्ष उनसे बात करे तो मुख्यमंत्री या किसी की भी हिम्मत नहीं कि उसकी बात को टाल सके। तो बड़े दुख की बात है कि हम लोग सुबह 10 बजे से आए हैं और 3 बजने को हैं और लोकल होते हुए सुभाष बराला जी ने आकर के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की कोई बात नहीं सुनी। आंगनवाड़ी वर्कर की चेतावनी के बाद सुभाष बराला जाम स्थल पर पहुंचे और ज्ञापन लिया, साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर को उनकी मांगों के प्रति आश्वासन भी दिया। बहुत संवेदनशीलता से कोई भी कर्मचारी वर्ग उनकी बातों को सुनते और समाधान करते हैं। उम्मीद ये करो भी हम आपकी